एनाबेला का नाम तो आप सभी लोग ने सुना रहेगा। जी हाँ, वो एक डॉल है और आपको पता रहेगा एनाबेला डॉल कितनी ज्यादा खतरनाक है। एंड इवन दो एनाबेला डॉल रियलिटी में एग्जिस्ट भी करती है अभी के टाइम, उसका डॉल अभी भी म्यूजियम में कैद है। बट क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि एक्चुअल में GTA 5 में भी सेम एनाबेला एग्जिस्ट कर रही है। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो होता ये कि ऐसे मैं एक दिन GTA 5 खेल रहा रहता हूँ जैसे ऑर्डिनरी लोग खेलते हैं। मैं ऑब्वियसली एक गेमर हूँ तो GTA 5 तो खेलूंगा ही। तो ऐसे एक दिन मैं गाड़ी चला रहा था और गाड़ी चलाते चलाते मुझे कुछ रास्ते पे डॉल दिखती है। एंड मेरा रिएक्शन ये होता है, वेट, क्या आप लोग ने वही चीज देखी जो मैंने देखी अभी? जी हाँ, मैं एक डॉल की बात कर रहा हूँ। पीछे एक डॉल खड़ी थी जो कि पॉसिबल नहीं है GTA 5 में। बट यहाँ से अगर आप उस डॉल की तरफ गौर करोगे तो वो डॉल नहीं लग रहा है, एक इंसान लग रहा है। बट अभी तो थोड़ी देर पहले डॉल था। ओह, ये क्या हो रहा है? और उसी वक्त मैंने कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। अब ये जो डॉल है, स्टार्टिंग में मुझे तो लगा नॉर्मल डॉल है, कुछ करी गई। बट मुझे क्या पता था आने वाले टाइम में यही डॉल मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देने वाली है। वेट, मैं ना एक काम करता हूँ, थोड़ा पीछे लेके देखता हूँ कि मेरे को देखना है ये डॉल फॉलो अप किसको कर रही है, मुझे ही कर रही है किसी और को कर रही है। बट नहीं, ये मुझे ही फॉलो कर रही है। ऐसा कैसे पॉसिबल है GTA में? ये मैं मान नहीं सकता, ये चीज़ अनबिलीवेबल है। वापस से मैं टर्न लेता हूँ और देखता हूँ क्या ये भी टर्न लेगी मेरे साथ। आगे लिया मैंने और ले रही है, ये टर्न ले रही है। इसको अचानक, इसकी स्पीड अचानक से क्यों हाई होगी? वाह ब्रो, क्या हुआ इसको? ये भाग रही है। हाँ बे, भागो यहाँ से भागो। और पहले मेरे को ये बताओ कि आज लॉस सैंटोस में लाइट क्यों नहीं है? लाइट नहीं है ठीक है, यहाँ पर इवन तो कोई गाड़ियाँ भी नहीं चल रही है, रास्ते पे गाड़ियाँ ना ही मुझे कोई लोग देख रहे। पता नहीं अचानक से क्रीपी सा वेदर होके रखा है। पहले इस पापी डॉल से पीछे छुड़ाना पड़ेगा। यहाँ से पहले भागो बहुत दूर, जितना दूर हो सके। इस टाइम पर आप लोगों को भी यही लग रहा रहेगा, मैं गाड़ी से ट्रेवल कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली वो जो डॉल है वो मेरा पीछे छोड़ दे रही है, राइट? बट आप गलत हो, मैं गाड़ी भगाते भगाते बहुत ज्यादा दूर आ चुका था बट फिर भी वो डॉल ने पीछा नहीं छोड़ा मेरा। मैं उससे बहुत ज्यादा दूर आ चुका डॉल से, अभी पीछा नहीं करनी चाहिए भाई, बहुत ज्यादा दूर हूँ उससे। मतलब क्या वो डॉल है? और ये क्या है? पॉसिबल कैसे है ये डॉल अभी भी पीछा कर रही है? और इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल कैसे किया? ये तो चलकर आ रही थी, मैं तो गाड़ी से आया। ये टेलीपोर्ट होती है क्या गुड़िया? पता नहीं, पहले भागो यहाँ से, कुछ करना पड़ेगा। एट दिस मोमेंट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। मतलब एक डॉल आपको दिखती है रास्ते में, वो आपको फॉलो करना शुरू कर देती है और ऊपर से लॉस सैंटोस में लाइट्स चले गए, अंधेरा छा गया, ये सब कौन कर रहा है? ऑब्वियसली वो डॉल कर रही है। फुल स्पीड में गाड़ी, इस पर कोई इश्यू नहीं। हाँ एक मिनट, ये फिर से आ गई डॉल। सडनली एनाबेला डॉल मेरे गाड़ी से अटैच हो जाती है। अरे गायब हो रही है, और पहली बार इस बार मेरी गाड़ी पे कैसे आगे चिपक गई है? एक मिनट, काम करते। What if अगर मैं स्पीड बढ़ाऊं और इस डॉल को मार डालूं? बट इस टाइम शायद डॉल ने थोड़ी गलती कर दी थी, वो मेरी गाड़ी के ऊपर आके बैठ गई। तो उसी टाइम मैंने एक प्लान सोचा, क्यों ना मैं गाड़ी को बहुत ज्यादा फास्ट भगाऊं, जिसके कारण होगा क्या, डॉल पे प्रेशर आएगा और वो अपने आप पीछे साइड गिर जाएगी। बट तुमको पता है क्या होता है? यू वोंट बिलीव, देखो स्पीड भी बढ़ती जा रही है, ये कुछ 200 की स्पीड चल रही है। बट ये गुड़िया मर नहीं रही है, ना ही ये गाड़ी से वो हो रही है। तुमको समझ आ रहा है? इसने पे इतना फोर्स आ रहा रहेगा उस गुड़िया पर, बट तभी भी वो डॉल उधर से हिल नहीं रही है। पता नहीं क्या, और ये गाड़ी अनकंट्रोल हो रही है। ये कौन है गुड़िया? ये गुड़िया कौन है? कुछ तो करो, इसको यहाँ से निकालो। इतनी ज्यादा पावरफुल डॉल, मतलब उसको कुछ भी नहीं हो रहा, आप कुछ भी कर लो उसके साथ, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। लॉस सैंटोस में उस दिन एक भी इंसान नहीं दिख रहा था, मतलब रास्ते पूरे खाली थे, ना गाड़ियां थी ना कुछ, एक अजीब सा माहौल चल रहा था GTA 5 में। भाग अभिषेक भाग, सामने की साइड से पोल आ रहा है और ये उसके पास सभी शक्तियां थे और वो सभी शक्तियों को यूज कर रही थी GTA 5 के अंदर। अब यहाँ पे आपको कोई भी एनाबेला डॉल नहीं दिखेगी, मतलब कि वो डॉल गायब हो गई फिर से। अब भी थोड़ी देर पहले थी, पता नहीं बीच में क्या हो जा रहा है, वो अपने आप मेरी गाड़ी पे आके बैठ जा रही है, फिर थोड़े टाइम बाद अपने आप वो मेरी गाड़ी से चले जा रही है। मैं इतनी स्पीड से भगा रहा हूँ, ना ही उस डॉल को कुछ हो रहा है, ना ही वो डॉल मेरे गाड़ी से डीअटैच हो रही है। मतलब ऐसा क्या उस डॉल में? बट अभी जो होने वाला है वो आप सुनकर मान ही नहीं सकते कि ये चीज भी पॉसिबल है। अचानक से गाड़ी हवा में उड़ने लग जाती है। यहाँ से पहले फटाफट निकलने का काम कर। अरे ये क्या हो रहा है अब? ये क्या हो रहा है? ये देखो, इस बार मेरा कंट्रोल नहीं है, मैं तुम्हारे सामने हाथ रख रहा हूँ,
इस बार मेरा गेम में कोई कंट्रोल नहीं है, बट ये गाड़ी अपने आप हवे में जा रही है। ना ही मैं उसको कंट्रोल कर रहा हूं, ना ही मैं उसको उड़ा रहा हूं। और फर्स्ट ऑफ ऑल, एक गाड़ी हवे में कैसे जा सकती है? पॉसिबल नहीं है। ये फ्लाइंग कार थोड़ी ना है, और मैं कंट्रोल भी नहीं कर रहा हूं इसे। क्या मतलब इस बार भी वो डॉल, और ऊपर से आप देखो लॉस सैंटोस कैसा हो चुका है। ऐसा लग रहा है लॉस सैंटोस में कोई तो भी ब्लैक मैजिक कर रहा है, या फिर लॉस सैंटोस अचानक से पूरा शांत हो गया है। और आप लोग लॉस सैंटोस का हाल देख पा रहे होंगे उस टाइम पे कैसा हो गया था। हर तरफ धुआं ही धुआं, अंधेरा, ऐसा जैसे कि लॉस सैंटोस पे कुछ छा गया है। कब से वेट कर रहा हूं कि कुछ हो रहा है। देखते क्या हो रहा है इस बार। ये गाड़ी अपने आप नीचे गिर रही है। पानी 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 में जा। हाँ, थैंक यू। अगर जमीन में गिरता ना ये, वैसे ही माइकल मर जाता। पानी में दूर की बात। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको पानी में कौन लाया? क्योंकि पानी में मैंने नहीं लाया। अभी आपको क्या लग रहा है, एनाबेला ने मेरा पीछे छोड़ दिया है? अरे नहीं, अभी तो वो अपने पावर्स प्रूव करेगी कि उसके पास क्या क्या पावर्स हैं। निकल क्यों नहीं रहा? कंट्रोल नहीं कर पा रहा मैं कैरेक्टर को मेरे गेम के अंदर ही। अब ये ओहो, वो तुम लोगों को दिखा हुआ, पर वो डॉल वापस आ गई हम लोगों के सामने। बट इस बार वो पूरे फोर्स के साथ आई है। मतलब कि आजू बाजू गाड़ियां हैं, कुछ लोग हैं, और कैंडल करके ये प्रूफ क्या उसके हाथ में कुछ है ना, कुलाड़ी है। और मेरा क्वेश्चन है, मैं गिरा भी तो यहीं पर गिरा। इसका मतलब ये हुआ कि एनाबेला डॉल ने ही मुझे फोर्स किया, उसने ये गाड़ी उठवाई और मुझे यहाँ पर लाया। अब यहाँ पे ये प्रूफ क्या करना चाहती है डॉल? वो डॉल कैसे देख रहे, तुम वो देख रहे हो क्या? मैं जहां जहां जा रहा हूँ यहाँ से कितना, वो कैसे देख रही है भाई? फट जाएगी किसी की भी। मतलब एक डॉल अपने दम पर इन गाड़ियों को उठाकर दिखा रही है हमारे सामने। मतलब ये अपनी पावर प्रूफ करना चाहते हैं कि मेरे अंदर कितना ज्यादा पावर है, क्या मैं सही हूँ? क्योंकि देखो वो सिर्फ हाथ ऊपर किए हैं, सभी गाड़ियां ऊपर जा रहे हैं, इवन तो बोट भी जा रहा है, बट मैं नहीं जा रहा हूँ। उसने सभी गाड़ियों को हवा में उड़ा दिया था सिर्फ एक मेडिटेशन के दम पर। वो मेडिटेट कर रही है एंड सभी गाड़ियां हवा में उड़ रही है। कैन यू बिलीव, ये कोई नहीं कर सकता है GTA 5 में। बट एक मामूली सी डॉल जो कि रस्ते में दिखी है, वो इतना सब कर रही है, और वो और कोई नहीं बल्कि एनाबेला थी। और फिर कभी कभार तो वो हवा में भी चली जाती थी, हवा में चलते हुए मुझे घूरती रहती है। मतलब जैसे कि अगर मैं आजू बाजू घूम रहा हूँ तो वो मुझे घूरती रहेगी, मेरे साथ आई कॉन्टेक्ट करेगी, मैं जहां जहां जाऊंगा मुझे फॉलो अप करेगी। आप लोग यहाँ पे भी देख पा रहे रहोगे। इस बार आई, मैं गन से उड़ा दूंगा। हाँ, गन 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 से मार सकते हम लोग उसको। बट दिखनी भी तो चाहिए, दिख तो नहीं रही है। नहीं, शायद आ रही है। दूर से देखने में इंसान लगता है, बट पास से आके डॉल हो जाता है। ठीक है, मैं रेडी हूँ गन के साथ। क्या करूँ? वेट, लॉन्चर है मेरे पास। ये मर नहीं रही है। वेट, दो तीन अगर लॉन्चर इसके मुंह पे धड़ा इधर डाला तो। वो देखो, लॉन्चर उसके इधर जा रहा है, बट उसको कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा कैसे किसके अंदर पावर है कि उसका लाइक रॉकेट लॉन्चर का भी कोई डैमेज नहीं होता? वेट, मैं काम करता हूँ। लॉस सैंटोस का एक बहुत बड़ा, आप लोग कह सकते हो ब्लैक मैजिक वाला बंदा, जो कि ये सब चीजों से डील करता है। बट फर्क ये कि उसका लोकेशन पहाड़ों में है, मतलब वो पहाड़ों के साइड रहता है। तो अब मुझे पहाड़ों के साइड जाकर उस ब्लैक वाले मैजिक वाले बंदे को जगाना पड़ेगा, क्योंकि उसको आइडिया रहेगा ये डॉल के बारे में कि एग्जैक्टली ये डॉल है क्या, ये डॉल करती क्या है। फुल स्पीड में तुम्हारा भाई वहां से निकल गया उस जगह के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली इस डॉल का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बट बीच रस्ते में वो डॉल अपनी और पावर्स दिखाने की कोशिश करती है। अब ये क्या हो रहा है, ये उधर उधर गाड़ी कैसे, भाई भाई ये सब डॉल कर रही है, ये सब डॉल कर रही है। आप लोग देख पा रहे हो कि आजू बाजू स्पार्कल्स आ रहे हैं फायर के, और मैं जहां जा रहा हूँ वहां पर आ रहा है। ऐसा नहीं कि हर जगह पर है, मैं जहां जा रहा हूँ सिर्फ वहीं पर स्पार्कल्स आ रहे हैं। इसका मतलब ये कि मे बी डॉल मुझे फॉलो अप कर रही है, शायद वो मेरा रास्ता रोक रही है। ये कोई तो भी बहुत पावरफुल डॉल है जो कि इतना सब कर रही है GTA 5 में। बट एक चीज मैं जरूर नोटिस कर पा रहा था कि वो डॉल मुझे कुछ नहीं कर रही है। मतलब वो जो भी कर रही है वो सिर्फ दिखा रही है कि देखो मैं क्या क्या कर सकती हूँ। बट उसने ना ही मुझे मारा, ना ही मुझे कुछ किया। मैंने उसमें गन चलाया बट उसने मुझे कुछ नहीं किया। मतलब इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या वो चाहती है मुझसे? तो ये देखो, हम लोग आ चुके हैं माउंट शिलियार्ड के यहाँ पर, और सामने की साइड आप एक बहुत बड़ा पहाड़ देख सकते हो। वही पहाड़ के ऊपर एग्जैक्टली वो बंदा रहता है जो कि हमें डील करके देगा इस गुड़िया से। उसको ब्लैक मैजिक में बहुत ज्यादा आइडिया है, एंड इवन दो लॉस सैंटोस में बहुत ज्यादा पॉपुलर है ये सब काम करने के लिए। वो देखो ऊपर चढ़ना पड़ेगा अभी, इतना सारा पहाड़, कुछ कर नहीं सकते, ऑप्शन नहीं हमारे पास। बस वो डॉल की मुलाकात ना हो बीच में, मुझे और कुछ नहीं है। फाइनल, लेट्स गो। पहाड़ के टॉप पर आ गए हैं, बट अभी हमको ये भी चढ़ना पड़ेगा। जी हाँ, आप ये जो देख रहे हो ना, एग्जैक्टली उसके ऊपर रहता है ओके, वो ब्लैक मैजिक वाला बंदा, मतलब वो बहुत ऊपर रहता है। सो हेयर वी गो, आवर फाइनल स्टेप।
लेट्स गो। और वो रहे हमारे डेस्टिनेशन। थैंक गॉड वो जिंदा है, क्योंकि मेरे को लगा एनाबेला को मे भी पता चल गया रहेगा कि यहाँ पर मैं आ रहा हूँ उस डॉल को, तो मुझे लगा शायद एक टाइम पर ये जो पंडित जी है उनको मार दिया रहेगा, बट नहीं, वो लकीली लाइव है बट ये शायद मेडिटेट कर रहे हैं। एंड ये सब के बीच मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, राइट? ओके, बट एनाबेला डिस्टर्ब कर सकती है यहाँ पर आकर। पंडित जी उठ जाइए, थोड़ा वेट करते हैं। क्या आप लोग सोच सकते हो अभी क्या हो सकता है? हुआ ये कि एनाबेला डॉल सडनली आ जाती है रस्तों में, एंड वो जो बंदा रहता है जिसको ब्लैक मैजिक आता है, डॉल को ठीक करना आता है, कर्स चीज़ों को सही करना आता है, वो उसको मार देते हैं। उसके हाथ में खंजर रहता है, वो कंटिन्यूस उस पर मारती रहती है एंड वो बंदा मर जाता है। मतलब माइकल जो उसके साथ पिछले एक घंटे से है, उसको उसने कुछ नहीं किया, बट माइकल अगर किसी से मिल रहा है तो वो उसको मार देती है। इसने ऑलमोस्ट मेरा सब छीन लिया है, अब छीनना क्या चाहती है वो बता दे। ओ ये कैसी शक्ति है! अरे तुम तुम्हारे सामने देखो, इस बार ये कैंडल्स को उड़ा रही है और खुद भी उड़ रही है, बक्सों को भी उड़ा रही है। पता नहीं क्या हो रहा है, बट इतना बता सकता हूँ उस गुड़िया के पास बहुत एनर्जी है। नाइस नाइस। और ये देख कैसे रही है, तुम देखो ना वो साइड करके, किसकी भी फट जाएगी यार ऐसे अगर वो देखेगी तो। ऐसे मत देख यार, डर लग रहा है, मैं तेरे सामने झुक रहा हूँ, मैं क्या करूँ, कोई बताओ। वाओ अब इसके इशारे भी शुरू हो गए। ये कहाँ पॉइंट आउट कर रही है? उधर साइड। मतलब ये कहने की ये कोशिश कर रही है कि हम नीचे कूद के मर जाएं। नहीं, इसको अगर मारना ही रहता तो ये पहले मार देती, ये मार भी नहीं रही है हमें। अब कुछ कर तो नहीं सकते हैं, बात ही सुननी पड़ेगी। मैं चला यहाँ से कूदने, लेट्स गो। देखते हैं कहाँ पे इशारा कर रही है। और वो कूदी कि नहीं कूदी भाई, पता चला मेरे को अकेले को कुदा दी और वो ऊपर सेफ बैठी है। ना कुछ दिख रहा है, ना कुछ हो रहा है, बस अंधेरा छाया पड़ा है। सामने की साइड आ रहा हूँ मैं, और यहाँ कुछ है, एम्बुलेंस है। और वो डॉल थी, वो डॉल थी। रुको 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 रुको, मेरे को कंफर्म करने दो, क्या वो डॉल थी? क्योंकि वो डॉल तो अभी जस्ट मेरे सामने ऊपर थी, और ना ही वो नीचे कूदी। और ये डॉल है, और ये डॉल है, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये डॉल अब भी 2 मिनट पहले ऊपर थी, और ना ही मेरे साथ ही पैराशूट से नीचे कूदी, बट अपने आप ये यहाँ पर आ गई। और एक गाड़ी नहीं मिल रही पूरे लॉस सैंटोस में, पूरी गाड़ियाँ बंद है ये पूरे जगह पे, देख पा रहे होगे आप लोग। बट यहाँ पे एक मेडिकल सर्विस वाली गाड़ी है जो कि एम्बुलेंस है। कहाँ से लाया इसने और ये यहाँ पर आई कैसे, ये सब मिस्ट्री। और कुछ यहाँ पे इशारा भी कर रही है, आप लोग देख पा रहे होगे तो, ये एम्बुलेंस की तरह इशारा कर रही है, एंड शायद ये बोलने की कोशिश करेगी तुम एम्बुलेंस में बैठो। अरे यार ऑलरेडी फटी पड़ी है पूरी वीडियोस में, कभी एम्बुलेंस में बैठो, कभी यहाँ बैठो। व्हाट इफ अगर मैं यहाँ से भाग जाऊँ, कुछ इस तरह से भाग। व्हाट इसको मेरे मूवमेंट्स कैसे पता चल रहे हैं? मैं जैसे अपना पाव आगे बढ़ा रहा हूँ ये हवा में उड़ा रही है। नहीं मतलब मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ, ये मेरे को कंट्रोल करके रखी है, कैसे चीजों को हवा में उठा रही है। पूरी अक्की गाड़ी उड़ गई है हवा में और फेंक दी नीचे। ये बहुत खतरनाक एनर्जी है, बहुत खतरनाक। ना ही इससे हम लोग जा सकते हैं, ना ही हम लोग इससे बच सकते हैं, बस इसकी बातों को सुनना है हमको, और कुछ नहीं कर सकते हैं। जा रहे हैं बुढ़िया, धंधे की तो हराम करके रखी है। और तो ऐसे दे रही है जैसे कि भाई ये बहुत बड़ी मशिया है। नहीं मशिया सच में भाई, मार डालेगी। पहले बैठो भाई एम्बुलेंस में, कोई मस्ती नहीं इसके साथ। और ये कहाँ उड़ कर आएगी? नहीं नहीं नहीं, मैं तो भूल गया, इसके पास जादू है। ये तो आराम से भी ऐसे धुआं आएगी, धुआं मार के जाएगी, धुआं मार के आएगी। लाई मारा धुआं और लाई गायब। वाओ सो नाइस। और पहली बात ये बताओ, ये एम्बुलेंस चला कौन रहा है? क्योंकि मैं तो एम्बुलेंस नहीं चला रहा हूँ। ये देखो मैं फिर से तुम्हारे सामने हाथ कर दे रहा हूँ, ये एम्बुलेंस मैं नहीं चला रहा हूँ। हाँ मेरे हाथ में इसका कंट्रोल नहीं है, और ये खुद ही पीछे देख रहा है, खुद ही आगे देख रहा है। तो चला कौन रहा है भाई इस गाड़ी को? और मैं जा कहाँ रहा हूँ? देखते हैं हम कहाँ पर जाते हैं, ये पागल गुड़िया कहाँ लेके जाएगी हमको। अब ये एम्बुलेंस मुझे एक बहुत पुराने जगह पर लेकर आती है, जहाँ पे आजू बाजू नामो निशान नहीं होता इंसानों का, एंड ऊपर से डॉल एट द टॉप बैठी रहती है घर के। ये खुद से पीछे लाइटनिंग ला रही है, इसके पास कैसा पावर है? ये लाइटनिंग कंट्रोल कर रही है, ये वेदर कंट्रोल कर रही है, लोगों को कंट्रोल कर रही है। वो देखो कुछ खतरनाक लग रहा है देखने में यहाँ से। अब इस टाइम पे करना क्या चाहिए, क्योंकि मैं वहां से जा नहीं सकता हूँ, अगर मैं उससे दूर जाता तो वो हवा में उड़ा देती है, तो ऑप्शन नहीं बचता है मेरे पास। मुझे समझ गया, ये डॉल इन शॉर्ट कहना चाहती है इस घर के अंदर आ, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे मिस्ट्री सॉल्व करना है, तो मैं उस घर के अंदर जाऊंगा। एंड मैंने उस घर के अंदर कदम ले लिया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। मतलब एक पुराने से घर में जा रहे हैं हम लोग एक पापी गुड़िया की बात सुनते हुए। कोई नहीं, कर लें कि कॉम्प्रोमाइज। यहाँ से मे बी दरवाजा है,
कैसे शीशे बेटे टूट पीट के रखे हैं, पता नहीं कौन अंदर आया था यहाँ पर। ये तो ये बंदा वही है जिसको हम लोग ने पहाड़ों से उठाया था, बट ये तो मर गया था, इसको पापी गुड़िया ने मारा था। मेरे को डराने की कोशिश करिए माइकल को, देखो पूरा ब्लड ब्लड है आजू बाजू, नीचे ही बंदू ब्लड है। भागो 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 माइकल, दरवाजा लॉक। अरे खुल भी नहीं रहा है ये, मैं घुसू कहाँ से, गोली मारू इसके ऊपर, लाते मार रहा हूँ कुछ हो नहीं रहा। ओ यही दरवाजे तो मैं आया था, खिड़कियां तोड़ दूंगा, खिड़की से तो जा नहीं सकता मैं बाहर, जाऊँ कैसे बाहर। पर सामने वो डॉल है, ये डॉल तो अभी थोड़ी देर पहले ऊपर थी ना, ये मेरे पास आ रही है। नहीं नहीं, अब आगे की मिस्ट्री इज अनसॉल्व्ड, क्या होगा आगे, कैसे होगा, मैं कैसे उस डॉल से डील करूंगा, ये सभी मिस्ट्री अनसॉल्व्ड है जो कि मुझे सॉल्व करनी है। तो देखने की बात ये होगी क्या मैं उसे सॉल्व कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो इस वाले वीडियो में हम लोग लाइक एम रखेंगे, जैसे ही 10,000 लाइक एम हो जाता है नेक्स्ट वीडियो आ जानी है, सो लाइक कर देना, मैं रेडी हूँ एक बहुत बड़े मिशन पे जाने के लिए।